मंदिर से आके मैंने पति देव के लिए बनाई है सेवैया की खीर, क्योंकि सुबह सुबह ना हड़बड़ में मैंने कुछ बनाया नहीं था, तो कुछ मीठा तो बनता ही था, पूड़ी सब्जी तो बना दी थी, आज अभी बना रही हूँ मैं खीर। और इधर शाम की चाय भी रख दी है मैंने मम्मी के लिए और अपने लिए, और ये बन रही है खीर। मेरे बच्चों को सेवैया की खीर ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम वही बनाते हैं अधिकतर। तेरे पीछे कीड़ा, ये हटा कपड़ा। अरे उसका मन था, कोई बात नहीं, वो लेके आई। टीवी बंद कर दे क्या? हाँ। आयुषी अपने पापा के लिए केक लाई है फ्रेंड। ओ माय गॉड, 3 फ्लावर, एक पापा, एक भव्य और एक आयुषी। लगा यहाँ पे, हाँ क्रीम अच्छा लग रहा। दोनों खोपड़ा हटा ले अपना। और ना हर बार आयु ऐसा केक बनाती थी ना, वो उससे बाहर चिप उसी के अंदर काटना पड़ता था हमको। अब वो निकलता ही नहीं था, मैं क्या करूं। दिया जलाया मम्मी आपने? तेरा बर्थडे केक। ए बॉय, मेरी टोपी लिया पूरे सामने काली वाली नहीं वाली। पता है क्या क्या बनाया तुमने आज? वल बर्थडे का स्पेशल, मैंने कहा सेवई की खीर बनाई और गोभी की सब्जी। अच्छा कह रहे थे और कुछ नहीं बनाएगी कह रहे थे, मैंने कहा सुबह बनाया था भैया, कढ़ाई लगाई थी। हाँ पापा का हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। पहले दादी खिलाएगी तुमको। रुको, हाँ मैं ना होता तो बेटा जलाते उसको, हम खा लेंगे, जिनका बर्थडे उनको खिलाओ सब। मुझे तो फूल फूल खाने कटोरी नहीं दूंगी तेरे को, नहीं दूंगी कटोरी में, दे देना फूल फूल। मुंह में भी लगाएगी पापा के? हाँ मेरे भी लग ना लग जाए। तेरे को गिफ्ट मिल जाएगा पटाखा। लिया कटोरी लिया वो पिंग। हाँ चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं, क्योंकि आयुषी के पापा ने आज मम्मी को डोसा खिलाना है, तो इसलिए डोसा खाने के लिए जा रहे हैं हम लोग। तो चलते हैं फ्रेंड्स सब लोग, हम सब लोग भव्य बदमाश को। चल बेटी चलिए फ्रेंड्स अभी करते हैं हम लोग। वो कह रही होगी आज मेरे जेजी बहुत ही बिजी हो रहे, बिजी 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 प्याज वाला। अभी ये है प्याज वाला, मुझे ये खाना। ये तो वहाँ पे वहाँ पर मैंने पढ़ी वो पाव भाजी और सांभर खाते थे, मम्मी को आयु का अच्छा लगा, मैंने कहा चलो आज नहीं खाते हैं भाई। ये है ना प्लेट, इस पर रख लेना तुम, यहाँ रख ले। हाँ सब दर्शन आराम से हो गए सब। ये पनीर वाला क्यों? क्यों मम्मी खा लो ना, ये है तो आप अपना खाओ। आइयो पनीर वाला दादी को भी देना थोड़ा। ये पनीर डोसा, ये मसाला डोसा, ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा है। पाव भाजी आज अब मैं निकल के जाकर के लिए तो पापा को देखो पे पहुंचे थे तो फोन आ गया था। इन खाओ जी खा रहे हैं।
यार फ्रेंड्स, और हो गया नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे में किचन में क्या बना रही है आपको दिखाई दे रहा होगा, आपके साथ भी शेयर करूंगी कि कैसे बनती है और क्या है ये। चलिए दिखाती हूँ आपको आज हम क्या बना रहे हैं। ये यहाँ पे इसको अरबी के पत्ते बोलते हैं या पता नहीं, हमारे यहाँ बोलते हैं पापड़। हरी मिर्च भी है मम्मी इसमें। हाँ ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी सब्जी बनाएंगे आज और इसको छिलेंगे। पहले मैं दिखाती हूँ आपको इसको कैसे छिलते हैं। ऐसे फ्रेंड्स इसके पत्तों को ना पैसे ऐसे अलग कर लेंगे, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए ऐसे करके ये इनके रेशों को ऐसे अलग करेंगे। और इसकी सब्जी ना बहुत ही टेस्टी बनती है, और ख़ास तौर से झोई के साथ, मतलब कि कड़ी और इसकी सब्जी बनाते हैं आजकल के मौसम में, और ये बरसात में तो बहुत ही बनती है। इससे बस हाथ ऐसे हो जाते हैं जैसे रेड रेड मेहंदी लगी हो। तो इसको साफ करते फटाफट। आज इसकी सब्जी बनाएंगे हम काली वाली कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में। ये देखिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा कितनी साफ हो गई है ये, पहले ये ऐसे थे ये देखिए, और अब देखिए ये। तो अब ये एक एक करके सारी ही ऐसे साफ करूंगी फ्रेंड्स। मजा बड़ा आता है इसको ऐसे साफ करने में ना, मेरी तो बहुत ही फेवरेट सब्जी है। पता नहीं कितने सालों बाद हम खाएंगे आज मम्मी ये ना, कितने सालों बाद खाएंगे आज हम इसकी सब्जी ना। आयु के होने से होने के टाइम पे खाई थी शायद मैंने एक बार, कहीं से आए थे या हमने बनाए थे पता नहीं। और इसके अंदर से जिसमें नए नए कोपल आते हैं ना, वो उसकी सब्जी तो और भी बढ़िया लगती है। आज हम यही बनाएंगे, इनके ये पत्तों का भी यूज करेंगे हम, ये भी डालेंगे फ्रेंड्स सब्जी में। चलिए पहले मैं इसको साफ कर लेती हूँ और फिर दिखाऊंगी इसकी सब्जी कैसे बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स साफ कर दी है मैंने ये सब्जी, अब इसको धो लेते हैं अच्छे से और उसके बाद इसको काटेंगे। चलिए फ्रेंड्स अब काट लेते हैं इसको। सिंपल सिंपल टेस्टी सब्जी, इसमें ज़्यादा कुछ डालना है। छिलना है आलू? नहीं नहीं इसको खाली ऐसे धोना है, धो के ऐसे काटेंगे चिक्कर से, छिलना नहीं, गंदगी निकाल देंगे ना। तो गंदगी से निकाल देंगे। हाँ आपने कढ़ाई भी की कैमरे के आगे, कोई बात नहीं। पत्ते काटने का बढ़िया है, तब भी सीख देता है। आज कम करो तब भी सीख देता है। हाँ ये वाला कुकर वाला नहीं देखा। अरे यार मैं तो डरी गई इसको, मैंने कहीं कीड़ा सा क्या आ गया। ये देखो गाब ये, अरे यार फटाफट इसको काट लेते हैं पहले। सब्जी काट दी है मैंने, इसमें देखिए मोटी मोटी हरी मिर्च भी काट रखी है मैंने, और ये तैयार हो गई। और अब साथ में डालेंगे हम ये आलू, आलू भी मैंने साफ कर लिए हैं बट छिले नहीं है, बिना छिले आलू का स्वाद अलग ही होता है। और इस सब्जी में ना बिना छिले आलू डालें तो और भी अच्छे लगते हैं। और मूली मेरे पास है नहीं, जो है हम उसी से जुगाड़ करेंगे। कढ़ाई रख दी है मैंने और ये धो रखी थी ना, इसमें और जंग लग गया था तो वो सब साफ कर रखी। अब इसमें ऑयल डालेंगे, फिर डालेंगे ज़ीरा। ऑयल रख दिया फ्रेंड्स गर्म होने के लिए, और अब डालेंगे इसमें जीरा। ये आलू भी कट गए, ये भी तैयार हो गया है। अब फटाफट बनाते हैं सब्जी। वैसे इनको बोलते हैं पहाड़ों में तो बोलते हैं पापड़ की सब्जी हमारे यहाँ अल्मोड़े में साइड को,
और यहाँ पर तो अरबी के पत्ते बोलते हैं, इसके पतौड़े बनाए जाते हैं, पतौड़े हम भी खाते हैं, बट मुझे इसकी सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और कहीं और जगह पे फ्रेंड्स और चीज़ें बोलते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे इसको पापड़ी बोलते हैं। और जो इसके अंदर का वो जो निकलता है ना नया नया पत्ता, उसको बोलते हैं गम। और उसकी सब्ज़ी तो इतनी टेस्टी होती है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती, शायद बहुत सारे लोगों ने खाई भी नहीं होगी और हमारी मम्मी ने भी नहीं खाई है, बताओ ऐसे पहाड़ी है हमारे घर में। अब डालेंगे देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी लग रही है देखने में। अब इसको ढक्कन लगाएंगे, इसे पकने के लिए छोड़ेंगे और फिर थोड़ी देर बाद इसमें डालेंगे गरम पानी। ये देखिए फ्रेंड्स, बन गई है सब्ज़ी पापड़ की और खाने में बहुत ही बेहतरीन। तो और इधर चावल भी बन गए हैं, ये दाल भी बन गई है चावल, और ये है पापड़ की सब्ज़ी, और मैंने बनाया है खीरे का रायता। तो आज मेरे घर में खाना बना है, खीरे का रायता, पापड़ की सब्ज़ी, दाल, चावल। तो चलिए अब हम इंजॉय करते हैं अपना लंच, तब तक के लिए बाय। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।